ने कर्चियां कितनी चाटी क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में जो बारिश कर रही है तुम्हारी शादी में। कल लेटेस्ट चाह के बारिश लाई गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो आज हम आए हैं मौसी के गांव में नागोली, और यहां पे इतनी भयंकर रोड है ना, इतनी खतरनाक एक क्या बताए। बस तो नानी और मौसी, मामी, मौसा जी लोग तो चले गए हैं, बाकी एक और कार आ रही है, उसमें हम लोग जाएंगे। ये हैं कुन्नू भैया, हैप्पी भैया, कृषि भैया। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश भी होने लग गई है। देखो मौसम दिखाती हूँ मैं, बारिश भी होने लग गई है। और अभी घर पे जाके बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। बट बहुत डिफ़िकल्ट रोड है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, और ये पूरा गदेरे से जाना है हमें, पूरा का पूरा रोड नहीं है यहाँ पे, वहीं गदेरे का पानी जा रहा है और वहीं हमें जाना है। तो हम लोगों की गाड़ी तो नीचे खड़ी हो गई है और हमें लेने आया है फिर ऊपर से कोई, क्योंकि जिन्हें एक्सपीरियंस है वही चला सकते हैं यहाँ पर गाड़ी, बाकियों के लिए आसान नहीं है यहाँ गाड़ी चलाना। तो चलते हैं ये एडवेंचर के बाद ऊपर और मिलते हैं सबसे। तो हम लोग पहुंच के घर, देखो सब लोग रोटी बना रहे हैं, इतनी भयंकर हवा चल रही है फिर भी सब रोटी बना रहे हैं। यहाँ पे सबकी हवा उड़ रही है इतनी भयंकर, देखो आया मजा, बोलो नीचे लगाना आया मजा, बहुत मजा आया, एडवेंचर एडवेंचरस था मौसा, बहुत मजा आया यहाँ आके। काबू मजा आया, आया मजा आ गया, क्या क्या उसने नाचने लग गई थी ये सुबह थे वहां पे। यार देखो हवा कितनी तेज चढ़ रही है, मेरी आवाज भी नहीं आ रही है, भयंकर। काबू तुम तो उड़ जाओगी, तुम इतनी सी हो। नहीं हैप्पी नो, सब लोग रोटी बना रहे हैं, उनको दिखाते हैं मैं नीचे सब रोटी बना रहे हैं, उनको दिखाते हैं मैं। निशानी में भी हमारे लिए रोटी बना रहे हैं, तो सब रोटी बना रहे हैं, उन लोग को दिखाते हैं। आग उड़ रही है भयंकर उनकी, पर फिर भी वो बना रहे हैं। चलो ये देखो यहाँ पे बन रही है रोटियाँ। दाल सब्जी वगैरह है ना, हैप्पी आ, हैप्पी आ। तो यहाँ पे भी रोटी बन रही है, पूरा रोड बना था जहाँ पहले चला था ना, लास्ट में खींचेंगे फोटो रोटियों के साथ कितनी बनाई। तो ये है प्रीति जिसकी शादी में हम आए हुए हैं, और ये मेरी मौसी की देवरानी जो है उनकी बेटी है। थोड़ा मैं पूछ रही हूँ मामी कि कितनी करछी चाटी है, पहले इस सवाल का जवाब दुल्हन से पूछ लिया जाए। इस सवाल का जवाब दो कि तुमने करछियाँ कितनी चाटी है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में जो बारिश कर रही है तुम्हारी शादी में। 1 2 3 4 5 बोल, जल्दी बोल, बचपन से चाट रही हूँ, बोलो। चाह के बारिश लाई गई है ये शादी पे। और ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, मौसी की दोस्ती हो गई है इनसे, इसलिए मौसी के साथ खड़े हैं। मौसी ने अभी अभी दोस्ती करी है यहाँ पे इनसे, मौसी की बेस्ट फ्रेंड, डॉगी भी है बेस्ट फ्रेंड ने। अभी आएगा वो ठुमके लगा के हमें परेशान कर रहा था, अभी आएगा। तो अभी हम लोग लगा रहे हैं मेहंदी, और फिर बीच बीच में मिलते रहेंगे। मामी और मेरा काम है मेहंदी लगाने का, आती नहीं है दोनों, लेकिन ट्राई कर रहे हैं बस। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, फर्स्ट ट्राई। चलो मौसी जी मेरे को ऐसे देख के हंस रहे हैं, वो देखो कोने से छुप गए, मौसी जी छुप गए वहां पे। ये तो ठीक ही बोला, खैर चल कोई नहीं, बोलो मेरी मौसी सजा रही है, खाली लखे जड़ी फोटो मौसी में गाना डलेगा यार। रुकमा रुकमणी
तू मेरी। तो हम लोग जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, क्योंकि जिसकी शादी है उसका भी हो रहा है फोटोशूट। अभी हमने उन्हें तैयार किया और अब उसकी मेहंदी लगाएंगे। पर उससे पहले हम सोच रहे हैं जब तक फोटोशूट हो रहा है हम चेंज कर लेते, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। जो जा रहे हैं हम लोग, वहाँ है शादी उस घर में और वहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। और ये है कृषु भैया, ये देखो इस खेत में हो रहा है फोटोशूट। तो अभी हो रहा है इनका फोटो शूट और अब हम लगाएंगे इनकी मेहंदी। तो हम लोग अभी लगा रहे हैं पीछे मेहंदी। मामी ने तो निपटा लिया, मेरा भी बचा हुआ है और मौसी आपने लगाई। मौसी तुम लगा दी यार मेहंदी पी दी है। क्यों अच्छी लगा दी क्योंकि क्या करते हैं पैर पे चल चले ये तो आप पल्ला झाड़ने वाली बात कर रहे हैं। पल्ला नहीं झाड़ रही, कोई भी नंबर डालो आपसे इसके बाद। तो हमने लगा दी है मेहंदी, कैसी लगी? अच्छी है, झूठ मत बोलना। देखो नहीं आती है कुछ भी कर दिया। मौसी ने भी लगा दी अपने हाथ में, दिखाना मौसी ये रही। मामी अब कर रही है अपना काम, शुरुआत कर रही है। काबू की भी लग गई, काबू दिखाओ मेहंदी। यस, और अब नीचे हो रहा है कीर्तन। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, एक बारी देख के आते क्या क्या चल रहा है। बाकी हैप्पी ने क्लिप बनाई है वो देख लेना। हाँ मेरी मेहंदी दिखा दी? दिखा दी। देखो ओ मौसा जी का नाम लिखा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, दिखा दिखा। चो 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 ये देखो। जो कथा चलती है और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, मौसी दादी मौसा जी और बाकी सब लोग प्रीति जी। जहाँ से लाइट आ रही है इस तरफ तो किसी रिफ्लेक्शन से इधर से ही बना दो। वॉइस ओवर दे रही हूँ और मैं लगा रही हूँ नानी की मेहंदी, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और मैं जब नानी की मेहंदी लगा रही थी तो सब इधर उधर से इतने सारे हाथ आ रहे थे कि मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो। और जब हमने ये काम किया नहीं होता तो हाथ बहुत ज़्यादा थकते हैं मेहंदी लगाने में, और मना करने में बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैं ना इधर उधर छुप रही थी, बट फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों की मेहंदी लगाई, लेकिन मतलब ऐसे बाहर वालों की नहीं लगाई, मौसी नानी वगैरह इन लोगों की लगाई। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, मेरी तरफा किला तुले मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा, मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी। ये व्यवस्था कर रही है खाने की, हमें बिठाने की, हमें जिम आएगी अभी ये बैठ के। और मैंने नानी की भी मेहंदी लगा दी है, नानी मेहंदी सुखा रही है। गाने अभी भी बंद हुए, पहले जो मैंने बोला था सुनाई नहीं दिया होगा, वॉइस ओवर दे दूंगी इसमें। अभी मैं दिखाती हूँ खाने में क्या क्या खा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मौसी देखो
मरीता चक्का पाछे लाइए पार्टी में खाना वो दाल अब बैठते हैं हम लोग खाना खाने के लिए मौसी किसने दोगे पत्ते लच्छा बोल रही है चलो बैठ जाओ और ये रजीव भैया लाए हैं सब्जी चलो हम लोग बैठ जाते हैं सारे तो खाना खा लिया है हमने और मौसा जी ने प्रॉमिस किया था कि खाना खाने के बाद वो फिर से डीजे चल पाएंगे लेकिन अब पता भाग गए वो हंस के मैंने तो बोला चलवाओ अब खाना खा लिया तो वो हंस के चले गए अभी आते हैं पकड़ में तो फिर पूछेंगे सवाल कि वो चलाएंगे कि नहीं गुन्नू चलाएंगे फिर ठीक है मतलब चलाएंगे सब छील जाएगा नया घर नए लोग अब डर लग रहा है कुछ थोड़ी सी खुशी बैलेंस हो रहा है दोनों तो कल इनकी शादी और कल मिलते हैं फिर हम आपसे दिखाते हैं देखो यहाँ लाइट नहीं आ रही है कहीं भी नहीं है सिर्फ जनरेटर की लाइट चली है और वहाँ पे देखो वो लोग कैंडल की लाइट से मेहंदी लगा रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है दुल्हन का फोटो शूट बहुत ज़्यादा मेहनत से रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी मेरी तरफा किला तू ले मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी मेरी तरफा किले तुले मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा पहली पहली जब तुए देखूं पहली पहली जब तुए देखूं दिल में मेले क्या क्या सोचूं दिल में मेले क्या क्या सोचूं कब होली तेरी मेरी भेंट रुकमा कब होली भेंट तेरी मेरी रुकमा रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी मेरी तरफा किल तुल मुख मोड़ी रुकमा दिल दौड़ी रुकमा मुख मोड़ी रुकमा दिल दौड़ी रुकमा ओनी रे छारी तू मासा कपू बासा जेठा मैना कपू बासा जेठा मैना कब होली भेंट तेरी मेरी रुकमा कब होली तेरी मेरी भेंट रुकमा रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी मेरी तरफा किले तुले मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा रूपे की तू धनी छेरे रूपे की तू धनी छेरे हीरा मोती की बनी छे हीरा मोती की बनी छे जवानी उम्र तेरी कब तक रौली जवानी उम्र तेरी कब तक रौली रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी मेरी तरफा किला तुला मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा मुख मोड़ी रुकमा दिल तोड़ी रुकमा मुख मोड़ी और इनका डांस खत्म नहीं हो रहा है अभी भी इनका इनको चाहिए नाचना ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 बजे तक नाचने की प्रथा है तो ये लोग पूरी करके आएंगे नहीं बिल्कुल नहीं हम लोग जा रहे हैं 1 बज रहा है मामा मौसा
दो घंटे और पागल है क्या? और क्या तो कोई बात नहीं, मैं नानी मामी मौसी जा रहे हैं, बाकी ये लोग प्रथा पूरी कर। मालिक साहब यार 3 बजे तक की प्रथा है, 1 बज गए, कल हल्दी भी तो है, कल जल्दी भी तोड़ना है। डेढ़ बजे आके 2 बजे तक सोए थे और अब धीरे धीरे सब उठ रहे हैं। वैसे उठ तो हम 6:30 बजे गए थे, अभी बस कृषि और काबू अभी जाके उठे हुए हैं। तो अब इस वाले ब्लॉग का करते हैं यही एंड, अभी हल्दी वाला ब्लॉग शुरू करेंगे क्योंकि वन डे शादी है तो सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। तो आज ही हल्दी और आज ही बारात होगी, तो अभी करेंगे हल्दी वाला ब्लॉग स्टार्ट। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने तो वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेजेंड पहाड़। थैंक यू।